भाई अभी हम लोग फाइनली ऑन द वे हैं और मौसम देखो यार कितना सटीक हो रहा है ना। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आज है मंडे एंड जस्ट बिल्कुल अभी मैं जिम से आया हूँ। देखो पसीना पसीना आ रहा हूँ यार पूरा। तो अभी यार सबसे पहले तो अपना हुलिया सही करते हैं। देखो यार दाढ़ी वाड़ी बहुत ज्यादा बहुत बढ़ गई है मतलब, तो पहले इसको सही करते हैं और फिर उसके बाद फरहान भाई के पास जाना है यार आज, क्योंकि भाई मुझे ना एक प्रॉब्लम हो रही है बहुत दिन से। मुझको ना सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। मेरी जो ये नाक की हड्डी है ना, ये अंदर की था साइड से, मतलब इसकी हड्डी जो है वो टेढ़ी हो रही है या बढ़ रही है। मैं डॉक्टर को दिखा के भी आया था एक दो दिन पहले, तो उन्होंने यही बोला कि नाक की हड्डी जो है आपकी टेढ़ी हो रही है। तो उसकी वजह से मुझे ना भाई एकदम से सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है कभी कभी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसा लगता है कि मेरे कोई ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा दे, इतनी मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। तो डॉक्टर को तो दिखा दिया, डॉक्टर ने तो ऑपरेट करने का ही बोला है, पर भाई इतने पैसे तो अभी मेरे पास है नहीं कि मैं डायरेक्ट ऑपरेट करवा सकूं। तो अभी भाई के पास चलते हैं। भाई जो है बोल रहे थे कि मैं आयुष्मान बनवा दूंगा, तो आयुष्मान बन जाएगा तो उससे यार कुछ राहत मिल जाएगी, हो सकता है फ्री हो जाए। वैसे तो ये सुना है फ्री हो जाता है, बट कोई कोई कहता है थोड़े बहुत पैसे लगते भी हैं। अगर आप लोगों को पता है कि उसमें थोड़े बहुत पैसे लगते हैं या फिर फ्री होता है तो भाई कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना, मुझे थोड़ा सा पता लग जाएगा। तो अभी पहले चलते हैं जल्दी से सैलून में यार, और इस दाढ़ी को सेट करवा के आते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं फरहान भाई के पास। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ सैलून से और नहा धो के हो गया हूँ एकदम रेडी। तो अभी चलिए जल्दी से चलते हैं फरहान भाई के पास, ताकि मैं जल्दी से उनके पास जाकर अपना आयुष्मान कार्ड जो है बनवा सकूँ। पर जाने से पहले जल्दी से उनको एक बार कर लेते हैं कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे मोबाइल से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। व्लॉगिंग कर रहा था, व्लॉगिंग अपने फोन से। 4 बजे तक आ जाना। 4 बजे तक? 4 बजे तक का कह रहा था वो। जी जी 4 बजे तक मैं आऊंगा। जी 4 बजे तक आ जाना, मैं फोन लगा दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे खाली याद नहीं करा देना। ठीक है 3-4 बजे करीब। ठीक है ठीक है, फोन लगा पूछ लूंगा उससे। ठीक है ना, ओके मैं बुला लूंगा फिर इंशाल्लाह। ठीक है ओके। मैं आया था फरहान भाई के पास और हम लोग गए भी थे आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए, बट वहाँ पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, दैट्स व्हाई अभी वो नहीं बन पाया। तो मैं और फरहान भाई आए थे आइस टी पीने के लिए, तो आइस टी अभी हम लोगों ने पी ली है। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में। तो गाइस मैं और फरहान भाई अभी आए थे घर पर, बट अभी सडनली हम लोगों का प्लान बन गया कि फार्म हाउस चलते हैं। तो अभी हम लोग फार्म हाउस के लिए निकल गए, मैं यहाँ फरहान भाई है इधर, ये रे भाई, भाई हाय बोल दिए सबको मेरे। हाय 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 भाई बहुत फनी है भाई, बहुत मजाकिया है। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं फार्म हाउस पर और इंतजार कर रहे हैं कि कोई जल्दी से आ जाए और गेट खोल दे, और ये है हमारे फार्म हाउस का नाम। तो भैया जी आ गए गेट खोलने के लिए, और गेट खोल दिया है भैया ने। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग फार्म हाउस पर तो आ चुके हैं, और चलिए अब मैं आप लोगों को पूरा फार्म हाउस दिखाता हूँ। तो गाइस देखो ये वाला जो शेड है ना, ये शेड जहाँ पर खत्म हो रहा है वहीं तक ये पूरा फार्म हाउस है। पूरे में यहाँ से वहां तक लाइट लाइट लगी हुई है, बहुत मजा आएगा यहाँ पर जब आओगे ना, बहुत खूबसूरत लगता है यार। ये देखो ये अपने फार्म हाउस का स्विमिंग पूल, ये जो है ये एडल्ट के लिए है, तो ये थोड़ा गहरा है तो इसमें सिर्फ एडल्ट ही जा सकते हैं। और ये जो है बराबर वाला, ये 5 से 6 साल तक के बच्चों के लिए है। लाइट वाइट भी इसमें लगवा दी है यार, जब हम आए थे तब तो स्टार्ट भी नहीं था, इतना सब कुछ था भी नहीं। मतलब भाई मजा आएगा यार इस बारी, भाई कैमरा ऑफ करने के बाद मैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाला हूँ। और भाई अगर आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हो तो इस फार्म हाउस को आप लोग बुक कर सकते हो, सिर्फ 5,000 रुपीज पर डे इसका प्राइस है। तो चलो मैं आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर से फार्म हाउस कैसा है। ये यहाँ पर बैठक है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे बेड वगैरह लगा हुआ है, कूलर वगैरह टीवी वगैरह सब यहाँ पे रखा हुआ है। इधर एक कमरा है, ये वाला कमरा भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ठीक है ना, ये एक कमरा है यहाँ पर, और यहाँ पे एक बाथरूम है। बाथरूम भी भाई देखो साफ सुथरा है, ऐसा नहीं है कुछ भी गंदगी हो। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इधर की साइड, और एक बाथरूम इधर है, ये कुछ इस तरीके का है, देख लो आप लोग, ये भी साफ सुथरा है भाई, कुछ गंदगी नहीं है, आप लोग देख सकते हो अच्छे से। देखो ये है किचन यहाँ का, और पूरा यहाँ पे सामान रखा हुआ है वैसे तो, बट सिलेंडर आप लोगों को खुद का लेके आना पड़ता है जहाँ तक मैं जानता हूँ। फ्रिज वगैरह भी रखा हुआ है, सब रखा हुआ है। सो गाइस आप लोगों को फार्म हाउस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। मेरे को कब तैरना आएगा यार, यहाँ तक आ रहा है मेरे पानी, मेरी हाइट 5-8 है, मेरे यहाँ तक पानी आ रहा है, यहाँ तक। और आगे जाओ और गहरा हो जाएगा, और गहरा हो जाएगा। हाँ चेस्ट तक आ गया पानी भाई, यहाँ तक आने पे उस साइड में कम गहरा है, इधर ज्यादा गहरा है।
गाइस बहुत मजा आ रहा है यार सीरियसली। देखो ब्लॉग तुम लोगों के लिए शूट करने आया स्पेशली यहाँ पे, तीन चार महीने बाद ही आया हूँ। फुरकान भाई मैं तीन चार महीने बाद आया हूँ भाई यहाँ पे। भाई लाइट वाइट भी लग गई स्विमिंग पूल में, बेहतरीन हो गया मतलब सब कुछ मामला। पहले तो रेडी नहीं था, अब तो बहुत ही अच्छा हो गया है, मज़ा आ रहा है एकदम, फुल मज़े आ रहे हैं। और भाई ज़रूर भाई सपोर्ट करना, ठीक है ना, दिल भर के लाइक करना भाई, बहुत सारे लाइक करना इस वाली वीडियो पे। और सब्सक्राइब कर लेना भाई, जितने भी मेरे भाई देख रहे हो, जल्दी से हम लोगों के 10 के हो जाएंगे ना, तो जितने भी भाई मेरे साथ होंगे मेरे 10 के होने पे, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर होंगे भाई सबके साथ मैं चाहता हूँ कि मैं केक काटूँ उन लोगों के साथ। ओ भाई तेरे एब्स भी आने वाले हैं, क्या बात कर रहे हैं। हाँ दिखा ये तो मस्ती वाली बात है भाई, आएंगे एब्स भी जल्दी आएंगे। अभी थोड़ा एक्सरसाइज जो है एब्स की मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा, मेरा एक दोस्त है उसकी बहन की शादी है दिल्ली के अंदर, तो वहीं पर ही फिर मैं अभी मतलब नवंबर में एक महीने में एब्स की तैयारी करूँगा, तो जब तक मेरा हो जाएगा क्योंकि मेरी मसल मेमोरी है। और गाइस अगली वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए मुझे ज़रूर बता देना, आप जो टॉपिक बोलोगे मैं सेम टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं वापसी घर के लिए, तो अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे थे घर, पर घर का प्लान अभी कर दिया हम लोगों ने कैंसिल, तो अभी हम लोग जा रहे हैं यार कुछ खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में। सो गाइस देखो हम लोग ना यहाँ आए हैं ये वाले होटल पे, यहाँ पर खाने के लिए आए हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है भाई, कुछ इस तरह का ये होटल है। और सलाद आ गई भाई हमारी, और कोल्ड ड्रिंक मैं ले आया हूँ बेहतरीन। और अब यहाँ पे आएगा हमारा खाना, भाई खाने के इंतज़ार में और मैं भी इंतज़ार में, बहुत तेज़ भूख लग रही है। ये देखो भाई फाइनली हमारा खाना आ चुका है यहाँ पर, नल्ली नहारी, और ये बैठे हैं भाई। अब भाई मुंह में पानी आ रहा, अब नहीं रहा जा रहा, अभी मैं ब्लॉग को कर, ये देखो मैंने डाला है नींबू, और मैं भी भाई अब खाने जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं ब्लॉग को कर रहा हूँ बंद क्योंकि भाई मुझे भी लग रही है बहुत तेज भूख। सो गाइस फाइनली अभी घर आ चुके हैं और भाई बहुत ज़्यादा थक गए यार, नींद आ रही है भाई बहुत तेज। यहाँ पे ना देखो इधर यार यहाँ पे दर्द हो रहा है भाई, काफ्स में इतना तेज़ दर्द हो रहा है ना भाई, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। अब मुझे आ रही है बहुत तगड़ी वाली नींद, और अभी यहाँ से उधर जाना है दूसरे वाले घर पे, भी बाइक चला के जाना है यार 3-4 किलोमीटर, और बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा यार। ओ शायद आया ना रहा है, देखते हैं देखना, आते के साथ ही मक्कारी करेगा, देखो आगे। इसकी तबीयत खराब हो गई थी यार गाइस अभी थोड़े दिन पहले ना, 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। दिखाना दिखाओ अपना हाथ दिखाओ, कहाँ पे सुई लगी थी, देखो यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, देखो हाथ में दिख भी रहा होगा है ना, ये इधर की साइड यहाँ ड्रिप वगैरह लगी थी, अभी भी डेली जो है ग्लूकोज की बॉटलें चढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी इसकी। बहुत प्यारा बच्चा है ये, बहुत कमीना भी है लेकिन भाई बहुत ज़्यादा कमीना है। हाँ तो चलो गाइज अभी तो फिलहाल घर के लिए निकलता हूँ मैं। सो गाइज फाइनली मैं घर पर आ चुका हूँ, मेरी एडिटिंग जो है वो भी पूरी हो चुकी है, तो अभी तो भाई मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा तेज़ नींद क्योंकि भाई ऑलमोस्ट रात के 2:45 बज रहे हैं करीब, देखो टाइम क्या हो रहा है यार, हाँ यार 3:53 हो रहा है भाई, 4 ही बजने वाले हैं पूरे। तो चलिए अब इस व्लॉग का भी एंड कर देते हैं यहीं पर, आई होप आपको व्लॉग पसंद आया, अगर व्लॉग पसंद आया तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है।